मुंबई इंडियंस की शुरुआत आईपीएल 2024 में अच्छी नहीं हुई। अब तक खेले गए तीनों ही मैचों में टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई ने हार की हैट्रिक लगा दी है। एक तरफ जहां बॉलिंग यूनिट फेल नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बैटिंग भी हैदराबाद के अलावा किसी मैच में नहीं चल सकी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 169 रन का स्कोर को चेस करने में नाकाम रहा। राजस्थान के खिलाफ तो पूरी टीम 125 पर ही सिमट गई थी। टॉप चार में तीन बल्लेबाज गोल्डन डक हो गए थे। अब टीम के लिए अच्छी खबर आई है। मुंबई के स्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया क्रिकेट अकेडमी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद टीम को ज्वाइन कर लिया है। टीम से जुड़ने के बाद मुंबई इंडियंस ने सूर्य का एक मजेदार वीडियो शेयर किया। इसे देखने के बाद फैंस खुश नजर आ रहे हैं। 33 साल के सूर्य दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले अगले मैच की तैयारी के लिए टीम के प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए और इसके बाद वह होटल पहुंचे, जहां वह खुद से बातें करते हुए नजर आए। दरअसल मुंबई इंडियंस ने सूर्य का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह दो अवतार में नजर आ रहे हैं। सूर्य के ये दोनों अवतार एक दूसरे के मजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान सूर्य ने इशारों में दूसरी टीमों को वार्निंग दे दी है। सूर्य कुमार यादव के इस अंदाज को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और साथ ही कई फैंस ने कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। कई फैंस ने कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर एक यूजर ने लिखा, अभी मजा आएगा भीड़। एक और यूजर ने लिखा, इंतजार खत्म हुआ। वहीं भारत आदमी ने लिखा, सूर्य कुमार यादव इज बैक। मुंबई के अगले मैच में सूर्य दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी भी फैसला होना बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य कुमार यादव शुक्रवार को टीम से जुड़े हैं और नेट्स में करीब 1 घंटे बैटिंग की। इसके अलावा उन्होंने टीम के साथी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। सूर्य ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी बैटिंग को लेकर हेड कोच मार्क बाउचर और बैटिंग कोच करण पोलार्ड से भी बातचीत की। बता दें कि सूर्य कुमार यादव आखिरी बार दिसंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर खेले थे, जहां उन्होंने कप्तानी करते हुए 56 गेंदों पर शतक जड़ा था। इसी सीरीज में उनके टखने में चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स हार्निया की समस्या हो गई, इससे उनकी वापसी में देरी हो गई। उनके प्लेइंग 11 में नहीं होने से मुंबई की टीम को इस सीजन काफी नुकसान हुआ है। अभी तक मुंबई का कोई भी बैट्समैन लय में नहीं दिखा। अब उनकी वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। टीम को वापस को ट्रैक पर लाने के लिए उनके 360 डिग्री वाले चौके छक्के की मुंबई को सख्त ज्यादा जरूरत है। सूर्य ने आईपीएल के 139 मैचों की 124 पारियों में 3249 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 21 अर्धशतक भी शामिल है। आईपीएल में सूर्य 32 की औसत और 143.32 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट।